बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? वेल जी, इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली इस्तंबुल के अंदर, तुर्की में, कहीं किसी भी सिटी में आप चले जाएं। एक तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, लाइक एवरीबडी नोज के बहुत सारे लोग गल्फ से, यूरोप से आ रहे थे, सबसे एंड में एंटर होने वाले पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स हैं। लेकिन इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है इन लोगों के लिए कि बहुत ही रंग बिरंगे रंगीले इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर पिछले कुछ 5-6 माह में, ख़ासतौर पर कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद से, जब से तुर्की खुला है। मतलब पाकिस्तानी, खैर इनकी तो क्या मैं मिसाल दूँ, कि एयरपोर्ट पर बाद में उतरते हैं, एयरपोर्ट में लैंड ये बाद में करते हैं, होटल की टैक्सी लेने से पहले अपने कार्ड प्रिंट करवा लेते हैं जी, असी प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, असी TRC का कार्ड भी बनाने हैं, असी बिजनेस ही करवावे ताड़ा। अवॉइड करें ऐसे लोगों को। बड़ी सिंपल से मैं मिसाल दूंगा कि इन लोगों के चूंकि पल्ले तो कुछ होता नहीं, लैंग्वेज आती नहीं है, काम इन्हें आता नहीं है, इन्हें एरियाज का तक का पता नहीं है, इन्हें ये भी पता नहीं है इन्होंने अपने घर का बिजली का बिल पहला कहाँ पर जमा करवाना है जाकर, और ये आते ही पहले हफ्ते में ही डीलर बन जाते हैं जो भी पीछे से आ रहा होता है, जो इनके साथ लिंक्ड होता है, और फिर रगड़े किस किस्म के लगते हैं। फ्रॉड की जो रेशियो है वो आपको उठाएंगे, हमारे दफ्तर ले आएंगे, XYZ यहाँ पर 20-25 दफ्तर हैं वहाँ ले जाएंगे। आपका नुकसान क्या है? 25 से 50 हज़ार ले रहा तो उसी बंदे का पहले ऐड हो गया उस डील में। आपने को लेट्स सपोज प्रॉपर्टी लेनी थी 4 लाख ले रहा की, 5 लाख ले रहा की, तो वो जो आपने अपनी बचत कर रहे थे, आप डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी ऊपर आई है, लिरा नीचे गया है, डॉलर महंगा हुआ है तुर्की में भी, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी करेंसी में बहुत सस्ती हैं। अब वो जो 20-25 हज़ार वो करेंसी कन्वर्जन में जो आपका ज़ाया होना था वो तो खा गया वही बंदा जिसके रेफरेंस से आप गए। तो सबसे पहले उस बंदे को अवॉइड करें जो आपको उठा के किसी दूसरे दफ्तर में लेके जा रहा है, जस्ट सिंपली किक आउट हिम। यहाँ चूंकि जिस पहली चीज़ तो ये कि जिसे लैंग्वेज नहीं आती वो आपको लेके भी कुछ नहीं दे सकता, जिसका दफ्तर नहीं है वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता सवाए इसके कि वो आपके पैसे खाएगा। तीसरी चीज़ मेन जिससे आपने बचना है, जो भी बंदा आपसे यहाँ पर यूरो और डॉलर में प्राइस मांग रहा है, जो भी बंदा डॉलर या यूरो में आपसे पैसे मांग रहा है, उठा के बाहर फेंक दो सिंपली। 50,000 मैं अक्सर देखता हूँ चैनल्स के ऊपर, $50,000 में 1+1 बेच रहे हैं आप लोगों को जी, फ्लॉप प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है। $50,000 का मतलब सीधा सीधा, लाइक अगर हम उसे कन्वर्जन में ले लें, पाकिस्तानी पैसों में अगर आप ले लेते हैं या लिराज में ले लेते हैं, कोई बंदा अगर आपसे $5,000 भी उसमें से कमा जाएगा तो वो तुर्किश 40,000 लिरा की अमाउंट बनती है, और 40-50 हज़ार लिरा ऐड करके आप किसी बेहतरीन लोकेशन पे अपने अपार्टमेंट को चेंज कर सकते हो। आप 1+1 से 2+1 पे जा सकते हैं, 2+1 से 50,000 लाख डाल के 3+1 पे जा सकते हैं। आप बेलिक दुजू, एसएन योर, अता शहीर, बेलिक दुजू से निकलते हैं जो डिफरेंट एरियाज हैं, तुजला लाइक पीछे का पोर्शन है लेकिन बड़ा अच्छा डेवलप हो रहा है, भयू चकमेचे है, बड़ा खूबसूरत एरिया है, कुछ चकमेचे बड़ा खूबसूरत एरिया है, लेकिन ये टारगेट किया जाता है सिर्फ एसएन यॉर्थ और बेलिक दुजू में। उसकी रीज़न दो हैं कि जितने फनकार हैं, रंगबाज हैं, सारे वहाँ पर मैं भी वहीं पर हूँ बाय द वे। अवॉइड किस तरह से आप कर सकते हैं? जिस बंदे का अपना ऑफिस नहीं है अवॉइड करें, जिस बंदे ने आपको उठा के किसी दूसरे दफ्तर में लेके जा रहा है अवॉइड करें, जो बंदा आपसे डॉलर में यूरो में मांग रहा है कभी भी उसके से प्रॉपर्टी मत लें। 50,000, 4,000, 10,000 डॉलर भी वो आपसे कमा लेगा। अभी रिसेंटली आपने गुथम गुथा होते देखा भी होगा दो यूट्यूबर्स को आपस में। नुकसान एट द एंड पाकिस्तानी इन्वेस्टर को हो रहा है, जो बंदा खरीद रहा है उसका नुकसान है। तो आप लोगों को ये 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप इसको कर लेंगे तो आप इनसे बच जाएंगे। चौथी चीज़ कि अपना पैसा आपने कैसे लेके आना है, कभी भी किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करें। ये आपकी हेडेक है कि आप हुंडी के जरिए लेके आ रहे हैं, आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपने वहाँ पर किसी को अरेंज कर लिया और यहाँ पर आपको पेमेंट मिल रही है, ये आपका हैडिक है। लेकिन किसी XYZ बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं डालें। प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा सिंपल तरीका है, टोकन दें 10,000-15,000, गुड इनाफ है टोकन, इससे ज़्यादा टोकन मत दें। टोकन देने के बाद इस्कांत मांगें, प्रॉपर्टी का तापू मांगें, उसकी वेरिफिकेशन बल्दिया के ऑफिस में जाके कराएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दफ्तरों में कोई ना कोई बंदा इंग्लिश बोलने वाला मिल जाएगा आपको, एटलीस्ट आप फ्रॉड से बच जाएंगे। इतने के स्कैमर्स इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर, अजरबैजान, लंदन, यू पता 50 कंट्रीज के नाम लगा लेते हैं अपने नाम के साथ, काम अलफ बे नहीं आती, मार्जिन 20-25 हज़ार डॉलर के पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर। लाइक अगेन वो बात, ये तो बड़े ऊपर की बात है, $5,000 भी कोई आपसे अगर निकाल लेता है मार्जिन की मद में, कट प्राइस की मद में, वो टर्किश 40-50 हज़ार लिरा बनते हैं। ये एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है। मैं अक्सर देखता हूँ फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर लोग लगे हुए जी, 2.5 लाख से नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं है। भाई जारी बात है नहीं मिलेगा, जब आपने 50,000-70,000 ले रहा, आपने खाना है बीच में से तो कैसे मिलेगा? कम टू मी अनकरा में 1+1, 2+1, 1+1 जो है, 3+1 जो है, ये 1 लाख लिरा से लेके 1.5 लाख लिरा के दरमियान मिल जाते हैं। रेंटल वैल्यू कम है, रीसेल बहुत अच्छी मिलेगी 1.5 साल में। इस्तंबुल में एक इंतहाई हल्की क्वालिटी की 20 साल पुरानी अमारत में, बेसमेंट में 1.5-2 लाख, 2 लाख लिरा का अपार्टमेंट लेने से बेहतर है कि आप अनकरा में ब्रांड न्यू 1+1 या 2+1 ले लें।
रेंटल वैल्यू 200-300 लीरा कम होगी, आप इस्तांबुल में रहें किराए पे, वहाँ रेंट आउट कर छोड़ें, 1.5-2 साल में रीसेल अच्छी मिलेगी, आपका टीआरसी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, आपकी रेजिडेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, आप पीआर प्लान की तरफ जा रहे हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं बड़ा, मतलब आप जब क्वेश्चंस करें मुझे, अगर आपको कुछ चीज़ जानना चाह रहे हैं जस्ट आस्क मी एनीथिंग, आई विल आंसर यू। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है कि अपने आप को बचाएं इन स्कैमर से, वो लोग जो अभी जिन्हें आए हुए 2-2, 3-3 महीने नहीं हुए, 4-4, 5-5 माह हुए हैं यहाँ पर, कोई किसी के साथ ऐड हुआ हुआ है, किसी के साथ ऐड हुआ, जो सबसे बुरी बात है, लाइक खून जलता है, सिर्फ कुर्दों के साथ, अफगानियों के साथ, अरबियों के साथ मिलके कंसोशियम बना लेते हैं ये लोग, मतलब जो ये पाकिस्तान में भी नाकाम थे, ये यहाँ पर भी नाकाम ही है बेचारे। आप लोगों की जेबों में हाथ डालना तो आसान है, लेकिन किसी की हार्ड अर्न मनी है जो आप इस तरह 50,000 लाख रुपए का मार्जिन मरवा रहे हैं, छोटे छोटे लाइक आपको ले जाएंगे ऐसे एरियाज में जहाँ पर कुर्द बैठे हैं दफ्तर बना के, या अफगानी बैठे हैं दफ्तर बना के, सारे बुरे नहीं है, बच्चा देख की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं भी बहुत सारे अफगानी के साथ काम कर रहा हूँ, कुर्दों के साथ कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता है यार ये अच्छे लोग हैं, ये इनके फ्रॉड्स नहीं है, ये रंगबाजियाँ नहीं है, अस्कांत का प्रॉब्लम नहीं है, टापू का प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ जाके 1-to-1 बैठ के डील कर रहे हैं। स्कैमर्स को अवॉइड करें, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। लाइक मैं 2-4 ऐसी ट्रांजेक्शन में से गुजरा हूँ जिसमें से बड़ी मुश्किल से फिर क्लाइंट्स को निकाला है, या अभी भी इन प्रोसेस हैं चीज़ें। मैं अपने शूज़ में रहते हुए बात कर रहा हूँ कि मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ पर तुर्की में रियल स्टेट का काम करते हुए, इसके बावजूद अक्सर जगहों पर स्टक हो जाता है काम। ये लोग जो कल के चूचे उठ के आए हुए हैं, ये आपको उठाएंगे किसी दूसरे दफ्तर में ले जाएंगे, तो 25-50 हज़ार तो उनका गया। टीआरसी मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग 2500-3000 लीरा पे कर देते हैं कि जी जल्दी चाहिए। आप इस्तांबुल से अप्लाई करें, चाहे आप किसी और शहर से अप्लाई करें, कार्ड आपकी जेब में आने में 6 से 8 हफ्ते लगते थे पहले, और अभी आजकल चूंकि बहुत ज़्यादा रश है तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन कार्ड पहले लेके करना क्या है आपने? बाबा लैंग्वेज सीखेंगे तो कोई जॉब मिलेगी, आप कारोबार शुरू करेंगे तो आपको कार्ड, चले एक और चीज़ बता देता हूँ, $1,000 में आपको जो सबसे फास्ट ट्रैक है, $1,000 में आपको 10 दिन के अंदर कार्ड मिल जाता है यहाँ पर। ले लिया आपने कार्ड, फिर क्या करेंगे? आपने जो कार्ड $1,000 का लिया और आपके साथ एक 1500 रुपये में जिस बंदे ने कार्ड बनाया 1500 लीरा में, दोनों की वैल्यू सेम है ना, आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकता है जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी। तो आपने कार्ड इतना महंगा 7,000 लीरा का पहले लेके 4,000 लीरा दूसरे शहरों में जाके बनवा के क्या मिल गया? लोग उठते हैं चना गले चले जाते हैं, उठते हैं अजमेर चले जाते हैं, उठते हैं अंकरा चले जाते हैं, उठते हैं इसकी शहर चले जाते हैं। आपने कार्ड पहले बनवा लिया 6 हफ्ते 4 हफ्ते पहले आ गया, सो वाट, अब आप क्या कर रहे हैं उस कार्ड का? बैठे तो आप इस्तांबुल में हैं, तो आपने जो पैसा वेस्ट किया वो आप अपनी जेब में रखें, किसी और काम में ले आए। खैर और तरफ बात चली गई। सो सिंपल ये है कि अवॉइड करना है आपने उन लोगों को जिनका अपना ऑफिस नहीं है, जिनके वर्क परमिट्स नहीं है, जिनके आपके पास अपना टीआरसी नहीं है, जो आपको उठा के किसी दूसरे दफ्तर में लेके जा रहे हैं, जिसके साथ कोई चौथा बंदा आ रहा है घर दिखाने के लिए। फॉर श्योर उस बंदे ने 25-50 हज़ार लीरा आपकी प्रॉपर्टी में अपना ऐड कर देना, ये आपकी सोच है कि यहाँ पर कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं। एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ अवॉइड करना है जो कात इर्तफाकी और कात मलकीती जो है, कात फ्लोर को कहते हैं, अगर तो नई बिल्डिंग बनी है तो वो इर्तफाकी ही होगी और वो फिर मलकीती की तरफ कन्वर्ट होती है, लेकिन जो ब्लू टापू वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो मुस्तकल इर्तफाकी ही होती हैं वो कात, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। आपको तो बेच देंगे वो और 50,000 लाख लीरा खा जाएंगे, लिटरली 2 लाख की प्रॉपर्टी में लाख लाख रुपया खाया होता है डीलरों ने, और बाद में यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता बिकॉज वो अपनी रिसीविंग नहीं देते, उनका कुछ भी आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। सिंपल चीज़ ये है, अथेंटिक बड़े अच्छे दफ्तरों में जाएं, ये जो एक एक कमरे में एक एक टेबल और कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं अवॉइड करें। बड़े कम अच्छे लोग हैं, लाइक मैं नाम, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ पिछले 6 साल में मैंने एक बंदा अच्छा देखा है, अली खोखर नाम से है, मैं एक दो दफ़ा मिला हूँ उस साहब से, शरीफ बंदा है, छोटे दफ्तर में बैठा हुआ है लेकिन फ्रॉडिया नहीं है कम अज़ कम। लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई एक सिंगल मिसाल नहीं है जो मैं दे सकूँ पिछले 6 सालों में कि हाँ यार वो फलां बंदा है इससे आप काम कर लेंगे बड़ा अच्छा है। हर बंदे की कोई ना कोई स्कैम्स, कोई ना कोई फिल्म हर महीने में निकलती है, किसी की ये पैंट कोट टाई बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मत देखें, आएं अपनी आंखों से चीज़ों को देखें, 10,000-15,000 टोकन पकड़ाएं और बोलें मालक को बुलाएं डाकू टापू के साथ टेबल के ऊपर। मेरा जो तरीकाकार है, अगर आप मेरे से प्रॉपर्टी लेते हैं या मेरा मेरे ऑफिस में अगर आप आते हैं, हमारा तरीका ये, हम आपसे 10,000 या 15,000 मैक्सिमम टोकन लेंगे, लिरा डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑनर को बुलाएंगे ऑन टेबल, वो टापू लेके आएगा अपना, आप उस पेपर को हम एक्सपर्टीज़ के लिए भिजवाएंगे, 3 दिन 4 दिन एक्सपर्टीज़ के लगते हैं, 1200-1500 लीरा लगता है। वो जब एक्सपर्टीज़ क्लियर होकर आती है उस पर मेंशन होता है कि इस पर कोई बैंक लोन नहीं है, इस पर कोई फ्रॉड नहीं हुआ हुआ, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, इसके इस्कांत का प्रॉब्लम नहीं है, इसके टापू का प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम 3 से 4 दिन बाद टापू ऑफिस में, बल्दिया के ऑफिस, जो टापू का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है जहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है आपके नाम पर, वहाँ जाते हैं और फुल पेमेंट मालक के नाम पर ट्रांसफ़र करवाई जाती है, या उसने कैश लेना है या जैसे भी जो भी सिचुएशन है। यहाँ आप कहाँ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, आपने टोकन दिया, मालक के पेपर लिए, रिसीविंग ली,
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, कहीं कोई भी आपको वो जो एक आ जाता है ना 1% भी पॉइंट फ्रॉड का नहीं है। अब इससे हटके आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी पेली जाएंगी कि आपकी सोच है, अवॉइड करें, अपने आप को सेफ खुद करना है आपने। एक चीज़ सिर्फ आपने ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन अपनी इस तरह से करनी है कि कभी भी ये ना देखें कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जाना है जिसे हम ज़्यादा पैसे खर्चेंगे। अभी रिसेंटली एक भाई ने अपार्टमेंट लिया है तो बेचारे को $50,000 की डस्ट पड़ी है। सो इन बड़े बड़े टावर्स के अंदर भी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अब अगर नया लेने जाएंगे तो बींग ए डीलर मुझे 17% 15% मार्जिन मिलेगा उस डिवेलपर से, तो मैं आपको कहूँगा हाँ जी आप कमीशन ना दें कोई बात नहीं। लेकिन उसी बिल्डिंग में रीसेल की प्रॉपर्टी 2-2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख लिरा के फर्क से मिल रही होती है, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई बंदा 6 महीने रह के गया वर्ष में? तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई नुकसान है। अपने आप को आए, चिल करें, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से सुकून से प्रॉपर्टीज पसंद करें और अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज में फिर उस पर थोड़ा वर्कआउट करें, रेट्स चेक करें, 1 2 3 लोगों से मिलें जरूर, लेकिन रंगबाजियों से बचें। जरूर लोग कहेंगे जी वो फलाना हो जाए फलाना हो जाए फलाना हो जाए, लेकिन आपने अपना दिमाग यूज करना है कि यार कौन बंदा क्या बात कह रहा है। अवॉइड यूरोस डॉलर पर्सन, कोई हाई फाई उस पर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी वर्किंग करें, 2-3 दिन लगते हैं और फिर प्रॉपर्टी खरीदें, बाकी अल्लाह के लिए आने वाले मामला करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें, कोरोना बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्स्ट हुआ हुआ है तुर्की में, आप लोगों में से जो आना चाह रहे हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है, आई थॉट मैंने अभी अपलोड तो नहीं की खैर, कि अगर आप लोगों के वीज़े लगे हुए हैं तो अभी अवॉइड करें, दिसंबर जनवरी मत आएँ, फरवरी में आएँ आराम से, कोई मसला नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे आपने TRC लेना है, चाहे सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करें। 2 वीक्स में 2.5 लाख केसेज हुए हैं तुर्की में, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, कोरोना का वजह से कर्फ्यू लगता है, हफ्ता एतवार बंद होता है। सो अवॉइड करें, स्टे विद योर फैमिलीज, और जब थोड़े हालात बेहतर होते हैं, सर्दी ख़त्म होती है, तो फिर आप मूव करें। जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।